देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारा हर एक सैनिक इसमें हिस्सेदार होता है। इतना ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करता है। हिंद की सेना को सशक्त बनाने की प्रत्येक संभव कोशिश करने वाले CDS बिपिन रावत ने ये बात न केवल किसी एक जवान बल्कि देश के प्रत्येक उस नागरिक के लिए कही थी जिसको भारत का तिरंगा देखकर अपने मन में गर्व की अनुभूति होती हो। बिपिन रावत भारत सेना का वो नाम जिन्होंने हिंद की सेना को इस कड़ी में जोड़ा कि भारत का प्रत्येक शत्रु भारत का नाम सुनते ही थरथरा जाए। अपने पराक्रम के लिए विश्वविख्यात भारतीय सेना की ताकत बने CDS बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में मातम पसर गया है। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ। बिपिन रावत के पिताजी LS रावत भी फौज में थे तथा उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत के नाम से जाना जाता था। इनका बचपन सैनिकों के बीच ही गुजरा था। इनकी आरंभिक पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। उसके पश्चात उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया था तथा देहरादून चले आए, जहां उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें प्रथम सम्मान पत्र मिला, जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तत्पश्चात उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया था। वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सर्विस स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएट किया। साथ में उन्होंने हाई कमांड कोर्स भी किया। बिपिन रावत अमेरिका से लौट आए, उसके पश्चात उन्होंने आर्मी में सम्मिलित होने का मन बनाया। उन्हें अपनी कोशिशों में कामयाबी 16 दिसंबर 1978 में मिली। उन्हें गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में सम्मिलित किया गया। यहीं से उनका सैन्य सफर आरंभ हुआ। यहां बिपिन रावत जी को सेना के अनेक नियमों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ तथा उन्हें कैसे एक टीम वर्क करना चाहिए ये भी उनके समझ में आया। बिपिन रावत ने बताया था एक इंटरव्यू में कि उनके जीवन में उन्होंने गोरखा में रहते हुए जो सीखा वो कहीं और सीखने को नहीं मिला। यहाँ उन्होंने आर्मी नीतियों को समझा एवं नीतियों के निर्माण में कार्य किया। गोरखा में रहते हुए उन्होंने आर्मी की 3rd कॉर्प्स GOC सदन कमांड IMA देहरादून मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर के पद पर भी काम किया। जनरल बिपिन रावत को सेना में अपनी सेवाओं के लिए कई बहादुरी पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल समेत कई सम्मान प्राप्त हुए।